कृपया ध्यान दीजिए, रेल बॉय आयुष एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर यूट्यूब पर आ चुकी है। ट्रेन से सफर करने वाले लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे भारत के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दिल की धड़कन है। एशिया का सबसे बड़ा ये नेटवर्क हर रोज लाखों करोड़ों लोगों को सटीक समय पर उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। जरूर आपने भी कई बार इस ट्रेन के सफर का मजा लिया होगा, लेकिन क्या कभी आपको ये ख्याल भी आया कि बड़े जोर शोर से पटरी पर दौड़ती ये ट्रेन बनती कैसे है? इसके सभी पार्ट्स को आखिर असेंबल कैसे किया जाता है? कोच, रेल व्हील और इंजन को अलग अलग तैयार करके आखिर साथ में कैसे लगा के पूरी ट्रेन तैयार कर दी जाती है? ट्रेन में मजबूत पहियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। रोज रफ्तार से दौड़ने के लिए इनका परफेक्टली काम करना जरूरी होता है, इसीलिए इसे बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है। ट्रेन के पहिए को बनाने के लिए सबसे पहले रॉड को बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले उन्हें ब्लेड से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, फिर इन्हें मैग्नेट्स की मदद से मूव करके कंडक्शन में रखा जाता है। कंडक्शन के अंदर रॉड 15 मिनट में गर्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से मूव करके दूसरी कंडक्शन मशीन में रखा जाता है। ऐसा रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ताकि इन्हें परफेक्ट शेप और साइज दी जा सके। इस प्रक्रिया के बाद रॉड को बाहर निकाल कर एक आर्म में रखा जाता है, जहाँ एक भारी भरकम प्रेस रॉड को आकार देने का काम करती है। लगातार दो बार प्रेस करने से रॉड पहिए की परफेक्ट शेप में आ जाते हैं। खैर, अभी काम खत्म नहीं होता, क्योंकि आगे रोलर प्रेस की मदद से पहियों को प्रेस किया जाता है, ताकि वह पटरी पर चलते हुए अपने ग्रिप बनाकर दौड़ सके। पहिए को एक शेप देने के बाद बारी होती है उसके बीच के हिस्से को काटने की। इसके लिए पहियों को दूसरी रोलिंग प्रेस मशीन पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है। इसके बाद पहियों की लंबाई को नाप कर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहियों के नॉर्मल टेम्परेचर पर आते ही उन्हें एक परफेक्ट डायमेंशन में लाने के लिए उनकी रिम और एजेस पर काम किया जाता है। मशीनरी की मदद से जब पहिए सटीक आकार में आ जाते हैं, तब इन्हें टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और क्वालिटी अच्छी होती है, तो उन्हें तैयार करके ट्रेन के साथ असेंबल करने के लिए अगली फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ट्रेन के मैन्युफैक्चरिंग की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए रोमांचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।